नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल IAS PCS SSC क्लासेस। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं अपनी क्लास में, बकिंगम नहर के बारे में। कांडला बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह है, दहेज बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है, तूतीकोरिन चेन्नई और सालसेट द्वीप और कोंकण रेलवे परियोजना, इन सब के हम अध्ययन करेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ बंदरगाह, इम्पोर्टेंट पोताश्रय या पोर्ट, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। कोणार्क मंदिर, सबसे पहले कोणार्क मंदिर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये कहाँ पर बना हुआ है और इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। इसको नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था, जो कि गंग वंश का शासक था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। कोणार्क मंदिर ये सूर्य देवता से संबंधित मंदिर है और ये उड़ीसा में है और नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। बकिंगम नहर, वेरी इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है बकिंगम नहर, यानी नहर, इसका कोड याद करेंगे, बकिंगम नहर आती है। तो आ से हो गया आंध्र प्रदेश और ता से तमिलनाडु। इसके बाद है कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में, और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। यहाँ पर ज्वार बहुत आते हैं और मुक्त व्यापार क्षेत्र इसको घोषित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट कि कांडला कहाँ पर है, आंसर गुजरात। ये कैसा बंदरगाह है, ये ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। कांडला गुजरात में है और गुजरात में जा बीच में आता है और जा मीन्स ज्वारीय, इस तरह से आप ये कोड बना सकते हैं। मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, क्योंकि मुंबई से ही सारा व्यापार जलयान के माध्यम से होता है। तो ये सबसे बड़ा पोर्ट है हिंदुस्तान का, मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है और ये प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, ये स्वतः बना हुआ बंदरगाह है और जो कृत्रिम होते हैं उसको मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा बनाए गए। इसके बाद मार्मा गोवा, ये गोवा में है, जुआरी नदी के तट पर। गोवा में जुआरी नदी के तट पर मार्मा गोवा बंदरगाह स्थित है और यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी यह बहुत पुराना बंदरगाह है, प्रकृति द्वारा निर्मित है। इसके बाद न्यू मंगलौर कर्नाटक में, न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ है, कर्नाटक में। यहाँ से कुद्रेमुख के लौह अयस्क निर्यात सुविधा, कुद्रेमुख के लौह अयस्क निर्यात सुविधा के कारण न्यू मंगलौर बंदरगाह को बसाया गया है, ठीक है। कुद्रेमुख की जो खान है वहाँ पर लौह अयस्क उत्पादन होता है और उसके नज़दीक होने के कारण ये बंदरगाह बनाया गया है लौह अयस्क के निर्यात के लिए। न्यावा सेवा, ये है ना से न्यावा सेवा और ना से नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, और ये मुंबई जो पोर्ट है, इस बंदरगाह का भार कम करने के लिए न्यावा सेवा एक नया बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम भी है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी इसको कहते हैं। न्यावा सेवा मीन्स नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तूती कोरिन क्या है? तूती कोरिन भी एक बंदरगाह है जो तमिलनाडु में स्थित है और इसे मत्स्य पत्तन भी कहा जाता है, क्योंकि मछली यहाँ पर बहुत पकड़ी जाती है अधिक मात्रा में, इसलिए तूती कोरिन बंदरगाह का दूसरा नाम है मत्स्य पत्तन। गुजरात का दहेज बंदरगाह वेरी इंपॉर्टेंट है, दहेज में भी देखिए जा लगा हुआ, इस गुजरात में भी जा लगा हुआ, ऐसे आप याद कर सकते हैं दहेज बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, और यह रसायन बंदरगाह है। जैसे कोई केमिकल रासायनिक वस्तुओं के निपटान के लिए भी दहेज बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है, कोई
कोई रासायनिक वस्तुएं हैं उनको नष्ट करना है तो इस बंदरगाह में जा कर के नष्ट कर दिया जाता है। कोचीन बंदरगाह क्या है? यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, बहुत पुराना बंदरगाह है और ये लैगून पर स्थित है। कोचीन बंदरगाह लैगून पर स्थित है। इसके बाद चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई, ये प्राचीन काल में आपने हिस्ट्री में कभी चेन्नई बंदरगाह ना पढ़ा होगा, यानी कि पहले तो मद्रास नाम था, बाद में ये चेन्नई हुआ है। इसका मतलब कि चेन्नई बंदरगाह नया है और ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। जो पुराने हैं वो प्राकृतिक होंगे, जो नए हैं वो तो कृत्रिम होंगे ही। इसके बाद विशाखापत्तनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है। यह इसीलिए ये आंधी तूफान सुनामी से ये बंदरगाह बचा रह जाता है, क्योंकि ये डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी के पीछे स्थित है। यानी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो गया मुंबई, सबसे गहरा बंदरगाह हो गया विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये सबसे गहरा है। इसके बाद गहराई के मामले में पारादीप बंदरगाह है विशाखापत्तनम के बाद। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है, ये गहरा है और ये भी लैगून सदृश है, लैगून के जैसा ये बना हुआ है। एन्नोर बंदरगाह ये तमिलनाडु में स्थित है और यह प्रथम कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है और एशियाई विकास बैंक के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। अब इसको याद कैसे करेंगे? एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह है, ये है आपका तमिलनाडु में। एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु। और ये कंप्यूटराइज्ड है और निगमित बंदरगाह है, एशियाई विकास बैंक, ए से एन्नोर और ए से एशियाई विकास बैंक के सहयोग से ये निर्मित है। इसके बाद कलकत्ता और हल्दिया, कलकत्ता और हल्दिया, ये बंदरगाह हुगली नदी पर बनाए गए हैं, इसीलिए इन्हें नदी पत्तन भी कहा जाता है। हुगली नदी पर बना हुआ है, नदी पत्तन भी इसे कहते हैं। डायमंड बंदरगाह ये कहाँ पर है? कोलकाता। डायमंड मींस होता है हीरा, तो हीरा हम कल लाएंगे। इस कोड को याद करने के लिए हीरा कल लाएंगे मींस कलकत्ता। मुंबई बंदरगाह किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। कोंकण रेलवे परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोंकण रेलवे परियोजना 1990 में शुरू की गई थी, 9990। इसको याद करने के लिए का और का दो बार है यहाँ पर, इसलिए 9 और 9 दो बार होगा, ठीक है। और अणा में ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे बनता है अणा, तो इसमें ये 0 यहाँ से उठा लीजिए तो ये 0 ये हो गया। 1990 में इसकी परियोजना शुरू की गई थी और ये रोहा से मंगलौर इसका निर्माण किया गया है और ये 760 किलोमीटर की दूरी, ये दूरी भी पूछी जाती है, 760 किलोमीटर और रोहा से मंगलौर, ठीक है। दोस्तों पहली रेल कब चलाई गई थी और किसने चलाई थी? पहली रेल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली रेलवे चलाई गई थी 1853। ये सन भी याद रखिएगा मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला विद्युतीकरण रेल यानी पहली विद्युत रेल कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? 1925 में, और फेरी डेक्कन क्वीन उस ट्रेन का नाम था, विद्युत ट्रेन का, और मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी और लॉर्ड रीडिंग के समय में, किसके समय में? लॉर्ड रीडिंग के समय में ये ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से कुर्ला के बीच 1925 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने मित्रों दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा है मित्रों कि आपको जो भी हम वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं वो आपको मैसेज तुरंत प्राप्त हो जाएगा और आप एक भी वीडियो से वंचित नहीं रह जाएंगे, यानी हर वीडियो
तक आपकी पहुंच सुनिश्चित होगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।